नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पांच ऐसे प्री लोडेड सॉफ्टवेयर बताना चाह रहा हूँ जो विंडोज 7 और विंडोज 10 के अंदर पहले से इंस्टॉल आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि ये भी काम के सॉफ्टवेयर है। ये आपके ऑलरेडी इंस्टॉल आते हैं, 7 के अंदर भी आते हैं, 8 के अंदर भी आते हैं, 10 के अंदर भी आते हैं, और सबसे बड़ी बात है फ्री है और उपयोगी सॉफ्टवेयर है। कौन कौन सॉफ्टवेयर है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है डिस्क क्लीनअप। अब ये सॉफ्टवेयर क्या काम आता है मैं आपको बता देता हूँ। आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें बहुत सारे पुराने फाइलें टेम्परेरी फाइलें इकट्ठा हो जाती है। ये जो सॉफ्टवेयर है डिस्क क्लीनअप ये जो टेम्परेरी फाइलें उनको रिमूव कर लेता है। कैसे, चलिए हम इसको ओपन कर लिया है, ये आपके सभी ड्राइव अंदर बता देता है, सी ई एफ जी जितने ड्राइव सभी आपको बता देगा। तो सबसे पहले आपके जो ड्राइव है सी उसको आप सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है 560 MB, इतनी जो फाइलें टेम्परेरी है ये काम के नहीं है, आपको इनको डिलीट कर देनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार बारी बारी आपकी जितनी भी ड्राइव है उन सबको आप एक बार क्लीन अप करना चाहिए। इससे आपकी जो हार्ड ड्राइव है अच्छा परफॉर्मेंस देगी, अगर आप हार्ड ड्राइव अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है तो ये हुआ दोस्तों पहला सॉफ्टवेयर। अभी हम बात करते हैं दूसरा, जो दूसरा दोस्तों सॉफ्टवेयर उसका नाम स्टिकी नोट। जी हाँ, स्टिकी नोट 7 के अंदर भी अवेलेबल है, 8 के अंदर भी है, 10 के अंदर भी। इसके अंदर आप कोई भी नोट लिख सकते हैं, वो परमानेंट सेव होगा 10 के अंदर, क्योंकि ये 10 के अंदर आपके आउटलुक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। ये गूगल के जो मोबाइल में होता है ना आपका गूगल की भी, उसी की तरह आप कुछ भी इंपॉर्टेंट फोटोज आप यहाँ से फोटो भी अटैच कर सकते हैं और कुछ भी आपके नोट्स से आप इसके अंदर लिखकर सेव कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है नोट्स लिखने के लिए। अभी बात करने जा रहे हैं दोस्तों तीसरा जो सॉफ्टवेयर उसका नाम है कैरेक्टर मैप। जी हाँ, ये आपको XP के अंदर भी मिलेगा, 7 के अंदर भी मिलेगा, 10 के अंदर 8 के अंदर भी मिलेगा प्री इंस्टॉल। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आप कीबोर्ड से टाइपिंग ही नहीं कर सकते, आप इस मैप को ढंग से देखिए तो इनको टाइप करने के लिए इसकी हेल्प ले सकते हैं। इससे कैसे लिखना है, आप अपना नोटपैड ओपन करिए, जो भी लिखना है उस पर जैसे ये लेना है इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और ये आने के बाद में पेस्ट कीजिए। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। ये देखिए इस प्रकार कोई भी आपको कैरेक्टर चाहिए जो आपको मिल ही नहीं रहा तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो नहीं दोस्तों, कैरेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं चौथा। देखिए विंडोज़ के अंदर दोस्तों अगर आपके पास रार और जिप सॉफ्टवेयर नहीं है तो इनका भी एक फोटोज को कंप्रेस करने का अवेलेबल है फ्री सॉफ्टवेयर। देखिए जो भी आपको कंप्रेस करनी है उसको सेलेक्ट कीजिए, सेंड पे क्लिक कीजिए, कंप्रेस टू जिप, ये जिप में कंप्रेस होगी दोस्तों। अब जिनको ये नहीं पता कंप्रेस क्यों होती है, देखिए कंप्रेस का उपयोग तब किया जाता है आपके पास अगर पास 100 फोटो है और आपको एक साथ जीमेल आईडी भेजनी है तो आपको कंप्रेस करके जीमेल एक जिप फोल्डर बनाना पड़ेगा। इसके अलावा कंप्रेस जो आप जिप फोल्डर बनाते हैं इसके अंदर फाइलें हिलती नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी वायरस इसके अंदर मतलब जब स्कैन करते हैं और कुछ वायरस होता है तो एंटीवायरस अंदर वाली फाइलें डिलीट नहीं करता, इनका यही बेनिफिट है। इसलिए अधिकतर लोग आप कैसे भी किसी फोल्डर में कोई किसी को डॉक्यूमेंट दे तो कंप्रेस फाइल करके लीजिए, इससे नुकसान नहीं होता। ठीक है, अभी बात करते हैं दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर, ये स्पेशली इसका नाम है दोस्तों स्टॉप रिकॉर्डर। देखिए अगर आपके कंप्यूटर में कुछ भी समस्या हो जाती है और आप अपने दोस्त को बताते भाई ये समस्या हो रही तो वो क्या समझ नहीं पाता है आपको कहाँ समस्या है, तो इसके अंदर आप क्या कीजिए, इसका नाम है स्टेप रिकॉर्डर, या भी हर स्टेप को रिकॉर्डिंग कर लेता है अगर कोई भी ट्रेवलिंग आ रही है तो आपको क्या करना है स्टार्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, ये अब रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कुछ भी स्टेप करेंगे रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे ये सॉफ्टवेयर ओपन किया, ठीक है, एक स्टेप रिकॉर्ड कर लिया, फिर अंदर गए ये बता दिया आप सी ड्राइव के अंदर आपको क्या समस्या आ रही है, ये सब रिकॉर्डिंग कर लेता। अभी आपने 3 स्टेप किए और अभी देखते क्या इसने रिकॉर्ड किया है नहीं किया, स्टॉप रिकॉर्ड पर क्लिक करता है और देखिए ये बता हम पहले यहाँ थे, फोल्डर ओपन किया, फिर वापस आए, फिर इसके अंदर गए, सी ड्राइव के अंदर गए, इसने सभी स्टेप रिकॉर्ड कर लिया। अगर आपके साथ कोई भी समस्या आती है तो स्टेप रिकॉर्डिंग कर लीजिए और उसके बाद में जो फाइल है उसको सेव कर लीजिए, इसको भी नाम दे दीजिए। देखिए ये भी जिप फाइल के अंदर इसको सेव करेगा, हम इसको डेस्कटॉप सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप में ये सेव कर लिया। अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए ओपन हो गया, ब्राउजर के अंदर ओपन हुआ है। देखिए ये है स्टेप अप, ये आपके
कोई भी फाइल की स्टेप को रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर 5 आपको प्री लोडेड सॉफ्टवेयर बताए जो 7, 8, 10 के अंदर आते हैं और 1-2 XP के अंदर भी आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।